नमस्कार मु तपन आसिबा संपूर्ण खबर को संभाव्य बात्या को नै आसिला ताजा तथ्य। भारतीय पाणिपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रंकर सूचना अनुसार आज आंडामान सागर में लघुचाप सृष्टि होईछि। एहा पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। 2 तारीख सुधा अवपात रे परिणत हेबो। 3 तारीख रे गंभीर अवपात रो रूप नेबो। 24 तारीख रे दिग परिवर्तन करिवो। आईएमडी डीजी कहिछंती परवर्ती समय रे एहा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी केंद्रीय बंगोपसागर रे बात्यार रूप नै पारे। तापरे दिग बदलाई उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिगरे गति करिवार संभावना रहिछि। 25 तारीख बेलकु बात्या पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपकूल मुहा हेबो। ओडिशा उपकूल दे समांतराल भाबरे गति करिवो। आईएमडी डीजी कहिछंती बात्यार सीधासलख ओडिशा उपरे प्रभाव पड़िबो नाही, किंतु 24 और 25 तारीख में बात्यार अधिक प्रभाव रहिबो। ओडिशा उपकूल ठारु दूरेई करि जीव बात्या, किंतु केते दूर रे बात्या जीव ताहा परवर्ती समय रे जणा पड़िबो। एहि सिस्टम प्रभाव रे 22 तारीख रे समुद्र रे पवन रो वेग घंटा प्रति 40 रु 50 किमी रहिबो। 23 तारीख रे समुद्र भितरे पवन रो वेग घंटा प्रति 50 रु 60 किमी रहिबो। तेबे बात्या समय रे पवन रो वेग घंटा प्रति 60 रु 90 किमी रहि पारे, किंतु लैंडफॉल बेले सर्वाधिक वेग केते रहिबो ताहा एबे ठारु कहि हेबो नाही बोली सूचना दैछंती भारतीय पाणिपाग विभाग रो महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। ये लघुचाप क्षेत्र अर्थात लो प्रेशर एरिया उत्तर आंडामान सागर एवं निकटस्थ दक्षिण आंडामान सागर एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होइछि। आंडामान निकोबार आइलैंड निकट रे एहा धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करके 22 तारीख गोटे अवपात 22 तारीख सुधा गोटे अवपात परिणत हेबो, अर्थात डिप्रेशन रे पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर एवं निकटस्थ दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे, एवं से ही पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति जारी रखिकी 23 तारीख बेलू यह गोटे डीप डिप्रेशन अर्थात गभर अपात परिणत हो। 24 तारीख बेलू यार दिग परिवर्तन हो। 23 तारीख पर सत्ता परिवर्तन होती आउ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति न करके धीरे धीरे उत्तर पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम उत्तर आड़ गति कर तेणु सेन्ट्रल बंगोपसागर केन्द्रीय बंगोपसागर यह गोटे बात्या हिसाब से यह गति करके पुणी यार दिग परिवर्तन हम उत्तर उत्तर पूर्व दिग आड़ अर्थात पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपकूल आड़ मुहाइब। 25 तारीख बेलू यह पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल निकट जो उत्तर बंगोपसागर रही जाए पहुँचे दिग परिवर्तन करके जीव से यह ओडिशा उपकूल सहित समांतराल भाव समुद्र उपर गति कर तेणु यह आज आम अनुमान अनुसार ओडिशा उपकूल को डायरेक्ट हिट करना, किंतु परोक्ष भाव में यार प्रभाव ओडिशा उपकूल में पड़ पारे और यही प्रभाव 24 तारीख और 25 तारीख में देखा मिल पारे। अल्प किसी जगार 23 तारीख संध्या पर सामान्य मध्यम धरण वर्षा उपकूलवर्ती जिला मानकपे, कि 24 तारीख में उपकूलवर्ती जिला मानक सामान्य मध्यम धरण वर्षा होगा सहित अल्प किसी जगार मैं आइसोलेटेड प्लेसेस हेवी रेनफॉल प्रबल वर्षा 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पर्यंत होई पारे। 25 तारीख रे वर्षा बढ़िबो, किंतु ताहा उत्तर ओडिशा और उपकूलवर्ती जिला मान करे अधिक हेबार संभावना रहिछि। सेठारे प्रबल अति प्रबल वर्षा मध्य अल्प किसी जगह हो पारे, किंतु सामान्य मध्यम धरण वर्षा सब जगह हेबार संभावना रहिछि। से अनुसार यह ओडिशा को डायरेक्ट हिट करिबो नाही, ओडिशा उपकूल पाखरु दूरे कि जीव, किंतु केते दूर रे जीव बा केते पाखरे जीव ताहा आपको आसंता काली किंबा पहरदिन जाना। वर्तमान जो लो प्रेशर एरिया रही तार चारिपटे पवन प्राय 20 रु 30 किलोमीटर प्रति घंटा वेग में प्रवाहित होता उत्तर आंडामान सागर दक्षिण आंडामान सागर निकटस्थ बंगोपसागर में। यही पवन धीरे धीरे बढ़िक आसंता काली 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं पहरदिन को अर्थात 22 तारीख बेलू 40 रु 50 किलोमीटर प्रति घंटा वेग में प्रवाहित हो पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर एवं निकटस्थ पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर पूर्व दक्षिण पूर्व बंगोपसागर के। तापर 24 तारीख 23 तारीख बेलू पवन रेग केन्द्रीय बंगोपसागर में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा आगे संभावना रही है, गोष्ठी ने 60 किलोमीटर घंटा एवं 24 तारीख बेलू पवन रेग धीरे धीरे बढ़ी 65 रु 75 किलोमीटर प्रति घंटा वेग में प्रवाहित हो पारे केन्द्रीय बंगोपसागर। 25 तारीख बेलू यह उपकूल निकट से पहुँच बात्यार पवन र बोले आम आज अनुमान करूँ सर्वाधिक सबुठ अधिक केवन हम जो उपकूल निकट से पहुँचब तार पूर्वानुमान आज
କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ, ତାର ପବନ ହେଉଛି 60-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଯିବ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା କେତେ ହେବ ସେଇଟା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 12 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ମହାବାତ୍ୟା କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ମହାବାତ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବ କି ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ରହିବ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ।